नेक्स्ट फंक्शन है आपका सीड फंक्शन, इंपोर्ट नंपाई एज एमपी, एमपी डॉट रैंडम डॉट सीड 1 2 3 AWR इज इक्वल टू एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट 1 2 1 0 1 10 AWR। इतना आप लोगों को पता है। यहाँ पे हम एक एरे बना रहे हैं जिसमें हम 1 to 10 रैंडम नंबर जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं। टोटल कितने नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं? 10 नंबर्स। अब यहाँ पे जो मेन है वो ये स्टेटमेंट है, जैसे कि एनपी डॉट रैंडम डॉट सीड 1 2 3। इसका मतलब क्या होता है? सीड फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम जितनी बार भी रन करें उतनी बार हमारी वैल्यूज जो आए वो सेम आए। अगर हम सिंपली अगर हम इस स्टेटमेंट को नहीं लिखते हैं और इसको नहीं लिखते तो हमारे कुछ भी रैंडम नंबर आ सकते थे 1 to 101 तक। अगर हम 4 बार रन करेंगे तो चारों बार हमारे डिफरेंट नंबर्स जो है वो इनपुट होंगे। बट हम चाहते हैं कि 4 बार जब हम रन करें तो चारों के चारों बार हमारे सेम नंबर्स ही शो हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीड फंक्शन। और ये सेम नंबर हमारे कैसे आते हैं? वो आते हैं इस नंबर के हेल्प से। यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3, तो 1 2 3 के अंदर कुछ नंबर जो आप रन करोगे वो सेव हो जाएंगे, और जितनी बार भी आप 1 2 3 रन करोगे वही नंबर आपके शो होंगे। इन केस अगर आप 1 2 3 की जगह लिख देते हो रैंडम डॉट सीड 30, अगर आपने 30 लिखा तो रन होने के बाद क्या होगा, कुछ नंबर्स फॉर एग्जांपल नंबर आ गए आपके 90, ये नंबर्स आए, तो जितने भी बार आप 30 लिख के रन करोगे यही नंबर्स 10 तक आएंगे, ये नंबर आपके यही 10 जो डिजिट्स हैं वो आपकी शो होंगी इस नंबर की हेल्प से। सीड फंक्शन के अंदर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास करोगे। ऐसे यहाँ पे जो 1 2 3 आपने लिखा है, इनकेस अगर आपका आउटपुट आता है 76 28 73 4 68 77 49 23 and 50, ठीक है, ये 10 डिजिट्स आपकी आती हैं, तो जब भी आप 1 2 3 लिख के रन करोगे यही सेम डिजिट्स आपकी शो होगी। और ये किसकी वजह से शो हो रही है? सीड फंक्शन की हेल्प से, ठीक है। अब एक चीज और है इसमें, अगर आप ये जानना चाहते हो कि जो आपने एरे क्रिएट करा है उसका साइज कितना है, तो उसके लिए लिखोगे आप AWR डॉट साइज एंटर। अब इस साइज के साथ कोई ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब ये कोई फंक्शन नहीं है, ये क्या है आपके एट्रीब्यूट, उसकी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा 10 कि आपने जो एरे क्रिएट करा उसका साइज कितना है 10। ये थोड़े थोड़े एट्रीब्यूट्स हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन है रीशेप फंक्शन, रीशेप फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने 2D में बना रखी है अपनी मैट्रिक्स तो आप उसे 1D में चेंज कर सकते हो, 1D में है तो उसे 2D में, अगर आपने उसके कॉलम और रोज है वो 3 × 4 की फॉर्म में बना रखे हैं तो आप उसे 4 × 2 की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 4 × 3 की फॉर्म में, क्योंकि ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अभी समझाती हूँ कि कैसे करना है हमें। इम्पोर्ट वाली स्टेटमेंट आप लोगों को पता ही है, ठीक है, इम्पोर्ट नंपाई एस एन पी, एरे इज इक्वल टू एन पी डॉट
रैंडम डॉट रैंड एंड 1,100,20 अरे इस अब इसका आउटपुट आपको पता है कि क्या आएगा। हम क्या कर रहे हैं, कुछ रैंडम नंबर्स इंसर्ट कर रहे हैं अपने एरे के अंदर, कितने 20, और उसकी रेंज क्या है 1 to 100। अब ये सिंपल 1D शो करेगा, 1D में ही ये वैल्यूज आएंगी, कोई भी बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आपकी हो सकती है, टोटल 20 वैल्यूज होंगे बट 1D में। अब हम इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं, हम इसे 1D से चेंज करके 2D में करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, AR.reshape ब्रैकेट में जिस शेप में हम उसे कन्वर्ट करना है, रीशेप क्या हो गया फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे जिस भी फॉर्म में हम उसे चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 2 × 10। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारे इसके इक्वल होना चाहिए, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, वैल्यू लॉस हो जाएगी हमारी, फर्स्टली तो यह है कि वो एरर ही शो कर देगा, इसलिए क्या होना चाहिए कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होने चाहिए, तभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सारे शो हो जाएंगे। अब जो हमारा 1D की फॉर्म में शो हो रहा था वो किस तरह से शो होगा, एरे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में कोई भी 2 रो हमने दी है और 10 कॉलम्स, तो 66, 67, 69, 77, 97, 41, 78, ये 10 वैल्यूज यहाँ इंसर्ट हो जाएंगी और फिर नेक्स्ट में भी 10 वैल्यूज। टोटल हमारी कितनी 20 वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी, जिसमें कि हमारे 2 रोज होंगी और 7 कॉलम्स। ठीक है, थैंक यू।